नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सोनालिका 60 DLX और स्वराज 963 एफई की कंपैरिजन के बारे में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन के बारे में। तो सोनालिका 60 DLX में आपको सोनालिका का 4087 cc का 4 सिलेंडर नेचुरली स्प्रेटेड इंजन मिलता है, जो 2000 RPM पर चलकर लगभग 60 हॉर्स पावर की ताकत और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह इंजन 20% बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। वहीं बात करें अगर स्वराज 963 की, तो स्वराज 963 FE में आपको स्वराज का 3478 cc का 3 सिलेंडर नेचुरल स्प्रेटेड इंजन मिलता है, जो 2100 rated RPM पर चलकर लगभग 60 हॉर्स पावर की ताकत और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन 20% बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। ओवरऑल अगर हम इंजन के मामले में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सोनालिका 60 DLX में 60 हॉर्स पावर की कैटेगरी का सबसे बड़ा और भारी भरकम इंजन है, जो कम RPM पर ही 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 60 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान कर देता है। इंजन के बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो सोनालिका 60 DLX में आपको 2 गियरबॉक्स का ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जिसमें 1 8+2 गियरबॉक्स वाला सिंक्रोमेस गियरबॉक्स और दूसरा 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स वाला करारो गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं स्वराज 963 FE में आपको 12 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर वाला सिंक्रोमेस गियरबॉक्स देखने को मिलता है। तो गियरबॉक्स के मामले में सोनालिका DLX ज़्यादा बेहतर है स्वराज 963 FE की तुलना में। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 3-स्टेज ऑयल वाथ वाला एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। साथ ही ये दोनों ही ट्रैक्टर डबल क्लच के साथ आते हैं। अगर बात करें ब्रेक की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑयल एमिस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। स्वराज में है ब्रेक सस्पेंडेड टाइप पेडल में और सोनालिका में पुश टाइप पेडल में देखने को मिलते हैं। तो ब्रेक के मामले में स्वराज ज़्यादा बेहतर है सोनालिका से। अब बात आती है दोनों ही ट्रैक्टरों के टायरों के बारे में। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको आगे टायर 750/16 की और पिछले टायर 16/928 के देखने को मिलते हैं। साथ ही स्वराज 963 FE आपको 4-वार्ड ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है, जबकि सोनालिका DLX 60 का भी 4-वार्ड मॉडल उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें स्टीयरिंग की, तो दोनों ही ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग में देखने को मिल जाते हैं, और सोनालिका डबल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग, जबकि स्वराज सिंगल और डबल दोनों ऑप्शनल वाले पावर स्टीयरिंग में आता है। अगर बात करें PTO के बारे में, तो सोनालिका 60 DLX में आपको 52 हॉर्स पावर की लाइट PTO, मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO का ऑप्शन मिलता है। वहीं स्वराज 963 FE में आपको 53 हॉर्स पावर की लाइट PTO, मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों की लिफ्ट के बारे में। सोनालिका 60 DLX में आपको 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिलती है। वहीं स्वराज 963 FE में आपको 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिलती है। अगर किसान भाइयों का कोई अन्य सवाल रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।